आज जो मुंबई हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, मौजूदा राज्यपाल ने जो फैसला मेरे पर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के बारे में जो दिया था, उसको मिनिस्ट्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का उसमें जो रिकमेंडेशंस थे और साथ ही साथ सीबीआई ने भी उसके ऊपर भूमिका रख के राज्यपाल से अनुमति मांगी थी, उस वो जो फैसला विद्यमान अभी के मौजूदा राज्यपाल है उनके फैसले को आज मुंबई हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसको स्क्वैश किया है और मैं इससे निश्चित तौर पर सेटिस्फाइड हूँ, समाधानी हूँ इसमें, इसलिए कि इसमें बहुत बड़ी राहत निश्चित तौर पर मिली है। जो पूरा पहले राज्यपाल थे, गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि कोई मटेरियल नहीं है, कोई इसमें प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति देने जैसा कोई मामला ही नहीं है और उनका जो कहना था वो मौजूदा राज्यपाल ने उसको हटाकर कोई नया एविडेंस नहीं होते हुए, कोई नई बात नहीं होते हुए जब ये फैसला दिया, तो निश्चित तौर पर ये गलत फैसला था कि आज के इस न्यायालयीन प्रक्रिया से ये स्पष्ट हुआ है कि ये फैसला मौजूदा गवर्नर का गलत था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इससे आज के फैसले से राज्यपाल के ऑफिस की प्रेस्टीज रिस्टोर हुई है, ऐसे मैं कहूंगा। गलत फैसला अगर होता था जो हुआ था उसको सेट असाइड करने से आने वाले समय में ऐसे किसी उदाहरण को लेकर कोई गलत फैसले नहीं होने चाहिए थे और राज्यपाल के ऑफिस का मिसयूज उसमें होना बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था और इसीलिए मैं समझता हूँ राज्यपाल के ऑफिस की प्रेस्टीज भी आज के फैसले से रिस्टोर हुई है। द ट्रूथ हैज अल्टीमेटली प्रिवेल्ड और जो सच है वो सामने आया है और अल्टीमेटली इस जुडिशियरी, देश के जुडिशियरी पर हमें पूरा विश्वास है कि उन्होंने सही फैसला लिया है। आगे चलकर फायदा होगा निश्चित तौर पर। इसमें जो आज बातें सामने आई हैं, जजमेंट की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है पर जो कोर्ट में प्रोनाउंस हुआ है उसमें निश्चित हमें लगता है कि आने वाले समय में जो भी लीगल इश्यूज इसके ऊपर मेंशन किए गए हैं, आने वाले समय में जो भी है वो न्यायालयीन प्रोसेस में इसका फायदा जरूर होगा। उनको दो आरोप लगे थे, पहली बात कि वो जानबूझकर डिले कर रहे हैं फैसला लेने में, दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने पार्टी कमीशन के रिपोर्ट को पूरी तरह इग्नोर किया गया था। क्या आपको लगता है कि वो आरोप गलत थे इस वक्त? देखिए, जब मैं कोई भी गवर्नर पे व्यक्तिगत, चाहे वो मौजूदा गवर्नर हो या पुराने गवर्नर हो, मैं किसी पे भी मौजूदा या पुराने गवर्नर पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आज की जजमेंट आपके हाथ में आने के बाद आप देखिए, उसमें भी मैं समझता हूँ गवर्नर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो मैं गवर्नर जैसे जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके फैसले पर, उनका व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं यहाँ पर। निश्चित तौर पर कोर्ट मैंने कहने का सवाल नहीं है, हाईकोर्ट ने ही वो पहले का डिसीजन अपहोल्ड किया है, इसमें कहूँ।